अनलॉक के बाद राजस्थान में बंद पड़े स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने नवाचार करते हुए एक सकारात्मक पहल की है। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने पहल करते हुए मिशन समर्थ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को घर बैठे ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि छात्र घर बैठे आसानी से पढ़ाई कर सकें और समझ सकें। विभाग की इस पहल में आम छात्रों को ही नहीं बल्कि दिव्यांग, श्रवण बाधित, दृष्टिहीन छात्रों को भी पढ़ने में मदद मिलेगी। पहले चरण में प्रदेश भर से करीब 88,000 दिव्यांग बच्चों को इस अभियान से जोड़ दिया गया है और 2,00,000 और बच्चों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रदेश में कोरोना अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वहीं तीसरी लहर की आशंका के चलते नए सत्र में बच्चों के लिए स्कूल अभी भी नहीं खोले गए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने नए सत्र 2021-22 के छात्रों की पढ़ाई को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पिछली बार की तरह इस बार भी 3 महीने के लिए बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही चलेगी। इसको लेकर विभाग ने सभी संस्था प्रधानों को आदेश दिए हैं, जिसके बाद स्कूली बच्चों के पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल दिया गया है। अब दिव्यांग, दृष्टिहीन और श्रवण बाधित विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज में सिलेबस के आधार पर वीडियो तैयार किए जा रहे हैं और वहीं पर दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को ये सुविधा ऑडियो के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऑनलाइन कंटेंट को स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि कोरोना काल के चलते प्रदेश के सभी स्कूल बंद पड़े हैं, ऐसे में छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे, इसको लेकर ही शिक्षा विभाग ने नवाचार करते हुए सभी छात्रों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है, जिसमें विशेष तौर पर स्पेशल चाइल्ड का ध्यान भी रखा जा रहा है। ये मिशन समर्थ के अंदर हम जो हमारे CWSN बच्चे हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए इसको चलाया गया है। इसके अंदर हमारे द्वारा पहली से 12वीं कक्षा के लिए विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए बच्चों के लिए हमारे द्वारा ई कंटेंट बनाया जा रहा है, डिजिटल कंटेंट बनाया जा रहा है, जिसको जैसे हमारे स्माइल के मैसेजेस जाते हैं, ऐसे ही इनको भी व्हाट्सएप के माध्यम से एवं जो हमारे RPs हैं, जो टीचर्स हैं, उनके माध्यम से इन बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। इस चीज़ की मॉनिटरिंग की जाएगी। सर, कुल कितने बच्चों को फ़ायदा होगा और किस तरह का फ़ायदा होगा इससे? इसमें लगभग मेरे पास जो 88,000 के करीब बच्चे हैं, उसमें से 15,000 से 20,000 मेरे पास विजुअली इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जिनके ग्रुप्स बना लिए गए हैं और उन तक ये वीडियोज़ जो हैं हम पहुंचाएंगे। साथ ही साथ ये उसके पश्चात जो भी स्कूल भी लगेगा तो वहाँ पे भी इन वीडियोस का जो है उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और एस्पेक्ट है, हमारे द्वारा जो है ब्रेल लिपि के अंदर लार्ज प्रिंट्स के अंदर हमारे द्वारा वर्कबुक्स भी जो है वो छपाई जाएंगी, जो कि 3 महीने के अंदर जो है इन बच्चों को वितरित की जाएगी। मिशन समर्थ अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान कर उनके नामांकन को बढ़ाना, स्माइल कार्यक्रम के तहत बधिर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ऑडियो स्टडी मटेरियल, आओ घर में सीखो पार्ट 2 प्रोग्राम के तहत तो वर्कशीट पहुंचाई जाएगी ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें। ऑनलाइन क्लासेस में इस बदलाव का उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और घर बैठे अपनी पढ़ाई को न केवल पढ़े बल्कि उसे समझे भी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।